हेलो गाइस, मैं लव कुशिंग, एल के एस डिजाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बाउंड्री बॉस बेस कमांड। बाउंड्री बॉस बेस कमांड क्या होती है, उससे पहले मैं लॉफ एंड स्वीप दोनों कमांड करा चुका हूँ। आज वीडियो में मैं सिखाऊंगा आपको बाउंड्री बॉस बेस। चलो चलते हैं गाइस। मैंने प्लान सेलेक्ट कर लिया है। मैं एक साथ पहले यानी कि मैं इसको शो करूँगा, यानी कि टॉप प्लेन को शो करूँगा। ये मैंने शो कर लिया है और मैं यहाँ से पहले एग्जिट कर दूँगा। एग्जिट करने के बाद मैं टॉप प्लेन को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं फीचर्स पे जाके प्लान सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने ये पहले से यानी कि एक प्लान सेलेक्ट कर रखा है। मैं यहाँ से यानी कि 200 mm, और यहाँ से मैं यानी कि दो प्लान और सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये तीनों प्लान ले लिए हैं, ये तीन प्लान ले लिए हैं मैंने। तो इस पर हम एक एक करके एक एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तीनों पे। तो हम सबसे पहले नीचे वाले टॉप प्लेन पे स्केच करेंगे। स्केच करने के बाद में कोई भी एक शेप दे देंगे, जैसे कि मैं एक स्क्वायर बना देता हूँ 50 यानी 50x50 का। ओके, यहाँ से ओके और यहाँ से एग्जिट। तो ये हमारा कंप्लीट बन गया है। उसके बाद मैं प्लान वन पे जाऊँगा, यहाँ पे स्केच करूँगा, इसको नॉर्मल कर दूंगा और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करूँगा मैं 50। ये मैंने 50 का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। ओके गाइस, यहाँ से एक ये सर्कल बन गया है। यहाँ से एग्जिट और मैं सबसे यानी प्लान टू पे जाऊँगा, इसको स्केच करूँगा, इसको नॉर्मल करूँगा। नॉर्मल करने के बाद मैं एक रेक्टेंगुलर शेप दे दूँगा यहाँ पे। नीचे वाला मैंने 50x50 का दिया था, मैं इसको 200 का कर देता हूँ, जिससे कि हमारी शेप कुछ अलग आए। 200x200। ओके, शायद एक 20 डला है। तो हम क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे डायमेंशन पे, तो स्मार्ट डायमेंशन खुल जाएगी। यहाँ से हम 200 इसको डाल देंगे। तो ये हमारा 200x200 का एक स्क्वायर बन गया है। यहाँ से मैं एग्जिट करूँगा, ये मैंने एग्जिट कर लिया। अब तीनों प्लान मेरे बन चुके हैं। अब मैं इसको यानी कि हाइड कर देता हूँ, प्लान को सभी को हाइड कर दूंगा, जिससे कि हमारी सेप दिखाई दे उसमें। स्केच यानी कि हाइड हो गया, तो मैं क्या करूँगा, स्केच को शो करूँगा और प्लान को हाइड कर दूँगा। ये प्लान हाइड हो गया है अब, यानी कि ये तीनों हमारे कंप्लीट बन चुके हैं। कुछ इस तरह की फिगर हमने बना ली है। अब हम इसको बाउंड्री करेंगे, बाउंड्री पे जाएंगे, पहला वाला, दूसरा सर्कल और इसको हम ये। तो ये हमारा कुछ यानी कि ट्विस्ट कर जाता है, यानी घूम जाता है बाउंड्री बॉस बेस में। ओके गाइस, तो ये कुछ ट्विस्ट करके दिखाएगा। और लॉफ्ट भी यानी कि सेम कमांड है ऐसी, उसमें क्या है कि उसमें ट्विस्ट नहीं होता, उसमें सीधे सीधे वो अपनी लाइन पकड़ता है और उसमें गाइड कर्व भी होता है। इसमें गाइड कर्व नहीं होता, इसमें यानी कि लॉफ्ट कमांड में हम एक कर्व बनाने के बाद में उसको हम गाइड करते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। बाउंड्री कमांड में ये हो गया, ये हमारा हल्का सा ट्विस्ट करेगा बाउंड्री उसमें। ओके गाइस, ये हमारा लॉफ्ट कमांड था, लॉफ्ट मैंने कल कराया था, ये हमारा बाउंड्री कमांड है। ओके गाइस,
ये हमारा बाउंड्री कमांड है, और अगर ये मेरे को अंदर इसके होलो करना है दोनों साइड, तो मैं क्या करता हूँ, कल भी मैंने बताया था दूसरी कमांड में, लॉफ्ट कमांड में सेल कैसे करते हैं, बाउंड्री में इसमें सेल लगा दूंगा। तो मैं 1 mm इसकी थिकनेस दे दूंगा, एंटर, और मैं इस दिस फेस, पहला फेस और इधर का फेस, दोनों फेसों को सेलेक्ट करूंगा, ओके कर दूंगा। तो ये क्या हमारा अंदर से होलो हो जाएगा। मैं इस लाइन को हाइड कर देता हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। ओके गाइस, ये था हमारा बाउंड्री बॉस बेस कमांड, आपके समझ में आया होगा। इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, दिस दिस, और यहाँ से हम इसका कोई भी कलर हम डाल सकते हैं, येलो डाल सकते हैं, ग्रीन, ब्लू। ओके गाइस, तो ये मैं कलर कर देता हूँ इसको, जैसा कि ये कुछ अच्छा लगे। ये अंदर इसके होल हो रहा है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। यही थी बाउंड्री बॉस बेस कमांड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाउंड्री बॉस बेस और लॉफ्ट कमांड में अंतर बताऊंगा, क्या अंतर है। ओके गाइस, आपके समझ में आया होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाय आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुंच पाए। ओके गाइस, थैंक यू।